सभी जिज्ञासुगण एवं गण का इस ईशावास्य उपनिषद की व्याख्यान श्रृंखला में अभिनंदन है स्वागत है हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद उपनिषद में कर्म और उपासना विषय को तो इस विषय से संबंधित हमने दो मंत्रों की चर्चा की थी और इसमें एक मंत्र अभी और हमें चर्चा करनी है उस पर तो सबसे पहले हम उन तीनों मंत्रों का पाठ करेंगे अंधन तम प्रविशंति ये ततो भूय इवते तमो य उद्याम अहुर्द्याहुर्द्या शुश्रुमधीरा यद्विचचरे ओं विद्या चाविद्याद्वेदो भविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य मृतमश्नुते तो जैसा कि हमने पूर्व मंत्रों के द्वारा जाना सबसे पहले हमने जाना कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है तो यहाँ पर विद्या और अविद्या जो है उस प्रकार का अर्थ नहीं है जैसा कि हम प्रायः इनका लेते हैं उनसे बिल्कुल हट करके के भाष्यकार ने यहाँ पर अर्थ दिए हैं तो विद्या का अर्थ हमने किया था कर्म और अविद्या का अर्थ किया था कर्म और विद्या का अर्थ किया था उपासना तो इसी प्रकार से हमने जाना था कि जो कर्म करता है अर्थात केवल कर्मों पर ही आश्रित होकर के उसको श्रेष्ठ मान करके के में संलग्न होता है वो गहन अंधकार में जाता है और दूसरे प्रकार से अविद्या के लिए कहा था जो ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल उपासना में ही रत रहते हैं भक्तिमय जीवन को ही श्रेष्ठ मानते हैं और उसी का परिपालन करते हैं वे उससे भी गहन अंधकार में जाते हैं तो इस प्रकार से हमने विद्या और अविद्या के कर्म और उपासना ये अर्थ किए थे किंतु कुछ जो आचार्य हैं भाष्यकार हैं उन्होंने थोड़ा सा इसमें अर्थ में परिवर्तन करके अविद्या का अर्थ किया है कर्म और उपासना और विद्या से तात्पर्य है ज्ञान तो यहाँ पर समन्वय की बात चल रही है कि विद्या और अविद्या अर्थात कर्म और उपासना का समन्वय होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि कर्म उपासना के साथ जो विद्या है उसका ज्ञान का भी समन्वय इसमें करना चाहिए तभी जो है श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी अन्यथा इनके अलग अलग फल तो कहे गए हैं लेकिन उसमें जो विद्या का फल है अर्थात कर्म करने का जो फल है और उपासना का जो पृथक फल है तो एक ही मार्ग का अनुसरण करेंगे तो एक ही फल की प्राप्ति होगी तो क्यों न इसको और श्रेष्ठ बना करके इस कर्मफल को भी और श्रेष्ठत्व की ओर ले जाया जाए तो दोनों के समुच्चय से कर्मफल की जो है विशेष प्राप्ति होगी तो इस प्रकार से श्रुति जो है बहुत ही सुंदर शब्दों में निर्देश करती है मार्गदर्शन करती है कि कर्म के साथ उपासना का सम्मिश्रण होना चाहिए अर्थात हमारा जो कर्म है वो उपासनामय है उपासना को ही कहा जाता है भक्ति भक्तिमय होना चाहिए और भक्ति कैसी हो भक्ति भी कर्म शून्य न हो जाए भक्ति में ही उद्यम होना चाहिए परिश्रम होना चाहिए भक्ति जो है आलसी या प्रमादी न बना दे तो इस अभिप्राय से यहाँ पर दोनों के सह अनुष्ठान की बात की गई है और श्रुति जो है इसमें निर्देशित करना चाहती है तो पूर्व मंत्रों में हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से कर्म और उपासना को जाना था अलग अलग से और कर्म उपासना के जो पृथक पृथक फल थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि कर्म का फल अलग होता है और उपासना के अनुष्ठान से अलग फल की प्राप्ति होती है दोनों के पृथक पृथक फल हैं कर्म के फल के लिए कहा था अर्थात अविद्या के फल के रूप में उन्होंने कहा था कर्मणा पितृलोक है कर्म के अनुष्ठान से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या देवलोक है और विद्या यानी उपासना के अनुष्ठान से या भक्ति के अनुष्ठान से देवलोक की भी प्राप्ति होती है तो इस प्रकार से ये अर्थ भी इसका हमने किया था जो कि बहुत ज़्यादा स्वीकार्य होता है और इसके साथ ही महर्षि दयानंद ने जो अर्थ किया था कर्म और उपासना का उसको भी हमने जाना था तो उनकी दृष्टि में कर्म से तात्पर्य अर्थात विद्या से तात्पर्य है जितने भी भौतिक संसाधन है या लौकिक जो भी संसाधन हैं उनका जब हम अनुष्ठान करते हैं तो वो बन जाता है वही क्या कहलाई कहलाई गई है अविद्या कहलाई गई है किंतु जो विद्या है ज्ञान है यदि हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो एक श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर ही होगा तभी वो शुभ कर्म होगा और अच्छे कर्म का फल देने वाला होगा तो जितना भी ये जड़ या चेतन जगत है भौतिक रूप में साधन के रूप में मिला हुआ है ये अविद्या है और जितना भी ये जो ज्ञान है ज्ञान विज्ञान है यही क्या है वास्तव में विद्या है तो इस प्रकार से दोनों दृष्टियों से हमने इसके अर्थ को देखा था और तीसरी प्रकार के जो कुछ आचार्य हैं वो ये भी मानते हैं कि अविद्या अर्थात कर्म और उपासना और विद्या से तात्पर्य ज्ञान क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म और उपासना कैसे सम्यक हो सकती है तो उसको सम्यक बनाने के लिए तीनों के अनुष्ठान की आवश्यकता है तो अभी जो हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं या जिस मंत्र का हम अध्ययन करेंगे उसमें विद्या और अविद्या के परिणामों के विषय में फिर से बताया गया है और उसमें विद्या और अविद्या अर्थात कर्म और उपासना का जब सह अनुष्ठान हो जाता है जब उसका सम्यकतया हम ज्ञानपूर्वक जब उसको अनुष्ठित करते हैं या अपने आचरण का विषय बनाते हैं तो उसमें कर्मफल जो है वो विशेष लाभ को प्रदान करता है तो उन कर्म फलों की चर्चा इस मंत्र में की गई है उपासना के फल की विद्या के फल की किंतु इसमें विशेषता ये है यह है कि इसमें जो है सह फल के अनुष्ठान के बाद जो हमें फल प्राप्त होता है सह अनुष्ठान के बाद उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है तो मंत्र क्या कहता है च अविद्याम च यह तद्वेद उभयम सह अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य मृतम अश्नुते इसका अर्थ किया जो मनुष्य उन दोनों देवता ज्ञान और कर्म ज्ञान को उपासना का तात्पर्य या उपासना की व्याख्या शंकराचार्य ने की थी देवता ज्ञान यानी देवता संबंधी ज्ञान और कर्म को एक साथ जानता है और कर्म से उनका अभिप्राय क्या था यज्ञादि कर्म अग्निहोत्रादि शुभ कार्य तो इनको एक साथ जानता है अर्थात साथ, साथ इनका आचरण करता है वह अविद्या के द्वारा तो मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या के द्वारा अमृत्व को प्राप्त कर लेता है तो इस पर बहुत ही सुंदर प्रकाश हमें आचार्य शंकर के भाष्य से प्राप्त होता है तो उस भाष्य के अनुसार हम इसके अर्थ पर और विस्तृत चर्चा करेंगे तो यत एवं अतः विद्यामच अविद्यामच देवता ज्ञानम कर्मचित इत्यर्थ है अर्थात विद्या और अविद्या विद्या से तात्पर्य देवता संबंधी ज्ञान तो जो भी हमारे इष्ट हैं आराध्य हैं उनसे संबंधित ज्ञान इंद्र है वरुण है इसी प्रकार से विष्णु है महेश है तो इन देवताओं का ज्ञान कर लेना और उसमें अपने तादात्म्य को बढ़ा लेना यही यहाँ पे देवता ज्ञान से अभिप्रेत है और कर्मच कर्म से तात्पर्य अग्निहोत्रादि जो शुभ कार्य हैं यह एतद उभयम सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम वेद अर्थात इन दोनों को एक ही पुरुष के द्वारा अर्थात एक व्यक्तित्व के द्वारा एक साथ अनुष्ठान करने योग्य हैं ये जो दोनों हैं यानी देवता संबंधी ज्ञान जिसको कि हम उपासना भी कहते हैं भक्ति भी कहते हैं और दूसरा हो गया ये यज्ञादि आदि शुभ कार्यों का जो ज्ञान है या फिर ये जो कर्म है इसको जो है हमें एक ही साथ अनुष्ठान करना चाहिए तो ये बात जो है हमें व्यावहारिक रूप से बड़ी ही कठिन प्रतीत होती है कि जब हम कर्म कर कर रहे होते हैं कोई भी शुभ कर्म या फिर अपने से प्रेरित काम में कर्म आदि तो उनमें हमें केवल कर्म फल की इच्छा रहती है या फिर हमारा ध्यान कर्म फल पर न रहकर केवल कर्म पर रहता है तो बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है कि कर्म के समय भक्ति भी हो और भगवान का स्मरण भी हो तो यहाँ पर जो है इसी बात की ओर संकेतित करती हुई श्रुति कहती है कि यदि हमें और भी उत्तम फल की प्राप्ति करनी है या अमृतत्व को प्राप्त करना है तो कर्म के साथ भक्ति अवश्य होनी चाहिए या उपासना अवश्य होनी चाहिए तो यही बात यहाँ पर प्रतिपादित की गई है और आगे कहा तस्य एवं समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण सियात और इसी का अनुष्ठान जो है एक दूसरे में करते हुए मतलब इन दोनों का समुच्चय करने की ओर बार बार जो है आग्रह करती है श्रुति तो अब और इस अर्थ को खोलते हैं जैसे कि आगे अगली पंक्ति में कहा अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतम अश्नुते तो अविद्या अर्थात कर्म और कर्म भी कैसे अग्निहोत्रादिना अग्निहोत्रादि कर्मों के द्वारा तो तृतीय विभक्ति एक वचन है यहाँ पर तो अविद्याया अर्थात कर्मणा अग्निहोत्रादिना मृत्यु स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु वाच्यम तो मृत्यु का बड़ा ही एक सुंदर भाव यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है मृत्यु वो नहीं है कि जो शरीर को छोड़ कर के जाना या इस देह का जो है क्षीण हो जाना या नष्ट हो जाना उसी को मृत्यु नहीं कहा गया है मृत्यु जी भी होती है उसी के ओर यहाँ पर आचार्य शंकर निर्दिष्ट करना चाहते हैं स्वाभाविकम कर्म च मृत्यु वाच्यम अर्थात जो मनुष्य के मानव के स्वाभाविक कर्म और ज्ञान है वही मृत्यु है वास्तव में जो मनुष्य योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है और उसमें यदि हम हमें कर्म करने का जो है एक स्वतंत्रता हमें मिली हुई है तो इस स्वतंत्रता के वशीभूत होकर के हम जो हैं अनेक प्रकार के गलत कार्यों का चयन कर लेते हैं उनको करते हैं तो वही कर्म क्या है बिना सीखे हुए बिना शिक्षित हुए बिना शिक्षित और दीक्षित हुए जो कर्म हम करते रहते हैं वही यहाँ पर क्या कहे गए हैं स्वाभाविक कर्म अर्थात बिना संयम के बिना मर्यादित होकर के जो हम कर्म करते हैं शुभ अशुभ का विचार किए बिना वही यहाँ पर मृत्यु शब्द से वाच्य है तो स्वाभाविक कर्म और साथ में कहा स्वाभाविक ज्ञान मतलब जितना ज्ञान हमें प्रकृति से मिला है स्वयं मिल गया है केवल उसमें ही संतुष्ट होकर के जो मैं मानता हूँ वही सत्य है इसको मानते हुए जब हम कर्म करते हैं तो वो भी क्या है मृत्यु है तो ऐसे कर्मों का परित्याग हमें करना है और उस परित्याग के द्वारा फल क्या होगा मृत्युम तीर्थवा उस कर्म से स्वाभाविक कर्म और ज्ञान से जो है इसके बंधन से हमें क्या होगी मुक्ति मिलेगी तो उस मुक्ति का नाम ही क्या है मृत्यु को पार करना तीर्थवा अर्थात पार करके स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान मतलब जो हमारा अनघड़ व्यक्तित्व तो है अशिक्षित होकर के और जो हम बिना किसी उसके परिणाम के या फिर बिना कुछ सोचे विचारे जो कार्य कर जाते हैं तो वही क्या है? यहाँ पर मृत्यु है और मृत्यु ऐसे कार्यों का परित्याग करके तीर्थवा यानी उनको पार करके विद्या या अर्थात देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम विद्या का अभी यहाँ पर ये यह अभिप्राय प्रस्तुत करते हैं विद्या से अभिप्राय है देवता ज्ञानेन तो देवता ज्ञानेन को हमने पूर्व मंत्र में भी स्पष्ट किया था तो जो देवता संबंधी ज्ञान है इंद्रदेव है वायुदेव है वरुण देव है इन देवताओं को जानना इन देवताओं से संबंधित ज्ञान को रखना या विद्वानों से जानना सुनना तो वही क्या है देवता संबंधी ज्ञान है जो भी आपका इष्ट है आराध्य है वो दिव्य क्यों है देवता उसको क्यों कहा जाता है तो उस देवत्व भाव को मानव योनि में क्या कर लेना धारण कर लेना तो वही क्या है देवात्म भाव है और वही क्या है जीते जी अमृत है तो अमृतत्व की प्राप्ति से अभिप्राय यहाँ पर जीते जी अमृतत्व को प्राप्त करना है तो so, हमें देहात्म भाव को का परित्याग करके हमें देवात्म भाव को धारण करना है मतलब देवताओं से इतना हमें तादात्म्य स्थापित कर लेना है जो भी हमारा कर्म है उसको भक्तिमय बना करके या उपासना करके जो इष्ट आराध्य हैं उनसे तादात्म्य उपस्थित करना केवल भक्ति दिखावे के लिए ना हो उससे हमें एक आनंद की अनुभूति हो तो एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति की ओर यहाँ पर निर्देश किया गया है कि भाई मानव को सबसे पहले तो मानव होना चाहिए और श्रुति बार बार कहती है कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म अर्थात मनुष्य को पहले मनुष्योचित धर्मों का अनुष्ठान करते हुए मानव बन ऐसा निर्देश किया गया है क्योंकि केवल मानव देह को प्राप्त कर लेना ही मानव नहीं होता है जब तक उसमें मानवता संबंधी गुण न हो तब तक वो मानव मानव कहलाने योग्य नहीं है अन्यथा पशु पक्षी और मानव में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि कहा भी गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में धर्मो ही तेषा अधिको विशेष है धर्मेण हीन है पशु भी समान है तो इसमें निर्देशित किया गया है कि आहार निद्रा भय मैथुन आदि जो क्रियाएं हैं ये तो पशुओं में भी हैं तो मानव योनि पाकर के आपने क्या अर्जित किया तो मानव का तात्पर्य है अपने धर्मों से या अपने जो शुभ कार्य हैं उनको करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने की कामना तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि हम कैसे जाने कि ये श्रेष्ठ है या फिर ये निकृष्ट है तो उसके लिए कहा ये हमें विद्वानों की संगति से और वेदो नित्य अधीयता वेद का हमें अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि कौन सा कर्म करनीय है कौन सा अकरणीय है तो इस प्रकार से श्रद्धा भाव से सत्संगति ही कथ यह किम न करो थी विद्वानों के संग से उनकी शरण में जाने से ज्ञान को प्राप्त करने से हमें जो है ये बोध होगा कि कौन सा करणीय कार्य है कौन सा अकरणीय है तो ये जो स्वाभाविक हम कर्म करते जा रहे हैं बिना किसी ज्ञान के जो कर्म करते जा रहे हैं इससे जीवन का सौंदर्य नहीं है तो मानव होने की जो परिकल्पना है तो वो संस्कारों से ही एक मानव का निर्माण होता है और संस्कारों के विषय में बहुत से शास्त्रों में वर्णन किया गया है मनुष्य के सोलह संस्कारों का वर्णन उनमें मिलता है उनमें से तीन संस्कार तो गर्भावस्था में ही हो जाते हैं तो इतना मतलब सरल नहीं है मानव बनना तो उसके लिए थोड़ी सी साधना थोड़ा सा तप संयम इसको करने का निर्देश यहाँ पर किया गया है और जीवन कैसा होना चाहिए देवतात्म भाव से प्रेरित होना चाहिए मनुष्य योनि ही देव योनि है मनुष्य के पास ही वो सामर्थ्य है जो कि अपने कर्मों को करके और देवतात्म भाव को प्राप्त कर सकता है पहले मानव बने और मानव से भी फिर जब श्रेष्ठ कार्य बहुत ही साधनामय या उपासनामय हो जाते हैं भक्ति के रस से आप्लावित हो जाते हैं तो वही क्या हो जाता है देवत्व का भाव उसमें हो जाता है तो देवा देवता क्या होते हैं देव को देव क्यों कहते हैं देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्यूस्थानों भवती भा अर्थात देवताओं में ये विलक्षण सामर्थ्य होता है वो विशेष आभा से युक्त होते हैं तेजस्वी होते हैं तो वो तेजस्विता ज्ञान की होती है गुणों की होती है और देने का सामर्थ्य होता है इंद्र वायु अग्नि ये सब हमें प्रदान करते रहते हैं सूर्य चंद्र आदि तो इस प्रकार से जो गुण इनके अंदर हैं वो गुण एक श्रेष्ठ मनुष्य में होने चाहिए और वो कैसे होंगे तो इसमें कहा कि कर्म के साथ भक्ति का मिश्रण कर दीजिए कर्म को भक्तिमय बना लीजिए और भक्ति को भी कर्ममय बना लीजिए उद्यमी बनिए तभी ये संभव है कि अविद्य मृत्युम तीर्थवा विद्य अमृत अश्नुते अविद्या के द्वारा तो क्या होता है अग्निहोत्रा जी जो श्रेष्ठ कार्य हैं उसके द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या अमृतमश्नुते और जो देवता संबंधी ज्ञान है उनसे अमरता को प्राप्त करता है तो यहाँ पर जीते जी अमृतत्व को प्राप्त करने की आकांक्षा की गई है आकांक्षा अर्थात देवतात्म भाव को दैवीय गुणों को अपने अंदर धारण करने की आकांक्षा की गई है और तद ही अमृतम उच्यते यद गमनम और उसको भी अमृत कहा कहा है यहाँ पर जो दैवलोक जो देवलोक आदि हैं उनमें गमन अर्थात जीते जी देव भाव को प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्तित्व और मरणोपरांत उसको देव योनियों में गति होती है उसकी जैसे वैकुंठ आदि हम सुनते हैं तो उनमें गति होती है तो यहाँ पर एक शब्द इसमें बड़ा ही आया कि अश्नुते तो आप इसको समझ ले दिए अश्नुते अर्थात प्राप्नौती अश्नुते का तात्पर्य क्या है प्राप्नौती इसी प्रकार से तीर्थवा शब्द आया तीर्थवा भी पार करने के अर्थ में है अतिक्रम में जिसका अर्थ यहाँ पे किया गया है तीर्थवा अर्थात पार करके उसको तो अमृत शब्द के और अर्थ पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं अमृत किसको कहा जाता है जो कभी नहीं मरता है उसको क्या बोलते हैं अमृत व्यावहारिक भाषा में हम उसको अमृत कह देते हैं किंतु वास्तव में अमृत क्या है हम वाणी के लिए भी अमृत शब्द का प्रयोग कर लेते हैं अमृत वचन अमृत वाणी इस प्रकार से तो वाणी तो कभी मतलब ऐसा मरने या नाश होने वाला भाव उसमें नहीं है शब्द बोले और नष्ट हो गए तब भी उसको क्या कहा जा रहा है अमृत कहा जा रहा है तो तात्पर्य यही है कि जो शास्त्रीय वाणी का प्रयोग करता है जो वाणी को सोच समझ करके विचार करके प्रयोग करता है और जो साधक व्यक्ति हैं उनके विषय में कहा जाता है कि वो जो कह देते हैं और भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा होते हैं तो उनकी वाणी क्या होती है अमृत वाणी होती है तो यहाँ पर अमृतत्व एक श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है हमारे कर्म अमृतमय हो जाए हमारी वाणी अमृतमय हो जाए हमारी प्रत्येक क्रिया अमृतमय हो जाए वही क्या है यहाँ पर अमरता है मनुष्य जीवन की देह रहते हुए अमरता क्या है मनुष्यत्व को धारण कर लेना और देवतत्व देवतात्म भाव को धारण कर लेना अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण कर लेना देवता जिस प्रकार से ओजस्वी हैं तेजस्वी हैं उस प्रकार से अपने अंदर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हम प्रार्थना भी करते हैं तेजस्विनावधी तमस्तु हमारा जो अध्ययन है वो कैसा हो हमारा जो ज्ञान है वो तेजस्वी हो प्रकाश युक्त हो दिव्यता से युक्त हो और ये दिव्यता हमारी कर्म और उपासना से संबंधित है और उपासना में भी किसकी प्रधानता है भावों की प्रधानता है और कर्म भी शुष्क नहीं है कर्म को भी किसके साथ हमें अनुष्ठित करना है तो कहा कि वो कर्म भी हमारा भक्ति रस से अपलावित हो तो इतने सुंदर भाव इस मंत्र के हैं एक मनुष्य योनि को श्रेष्ठ योनि माना जाता है और उस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं ये ज्ञान इस मंत्र में हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से विद्या और अविद्या का ये प्रकरण यहीं पे इन तीन मंत्रों में समाप्त होता है इससे अग्रिम कक्षा में हम संभूति और असंभूति पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते